दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइडेंट ग्रुप के शेयर के बारे में। टाइडेंट ग्रुप का शेयर दिन पर दिन बहुत ही ग्रोथ कर रहा है। सबसे पहले आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट देख लीजिए ट्राइडेंट लिमिटेड एंड जो फ्राइडे के मार्केट में हमें देखने को मिला था स्टॉक के अंदर लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली थी एंड यही जो है स्टॉक थोड़ा सा बाउंस बैक किया था एंड में, इस वजह से जो है यह 4.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो प्रीवियस क्लोज से देखोगे तो स्टॉक की ओपनिंग जो है आपको अपर सर्किट में ही देखने को मिली थी एक अच्छी खासी, लेकिन स्टॉक जो है वहां से लगातार आपको डाउनफॉल में देखने को मिला, देन रिकवरी भी इसके अंदर देख, समझ ही गए होंगे कि मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है ये बहुत से स्टॉक्स को जो है अपने साथ लेकर चल, जिसके अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड भी अभी साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मंडे की मार्केट में जो है आपको इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और उसके पीछे जो रीजन है अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल अगर आप ध्यान दोगे तो स्टॉक का जो लोअर पॉइंट रहा है 54.50 रुपए, देख सकते हो यहाँ से जो है स्टॉक ने एक रिकवरी दिखाई है। इसके अंदर जो है वॉल्यूम जो है आपको बाइंग के देखने को मिले हैं, तो एक इसके अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आ जाता है कि स्टॉक के अंदर अभी भी जो है एक अच्छी खासी डेप्थ बनी हुई है, मतलब कि स्टॉक के अंदर कोई भी लोअर सर्किट का पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है। सो गाइस, सरकार के नए फैसले से पहले मैं आपको ये न्यूज़ दिखा दूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने क्या किया है, नोटिफाई किया था 12% GST और रेट ऑफ MMF यान फैब्रिक जो कि नए साल से 2022 के 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। सो ये टैक्सेस जो है बढ़ा दिए गए थे जिसके बाद से जो है आपको कई सारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसके अंदर जो है एक अच्छी खासी जो है गिरावट देखने को मिली थी, अच्छी खासी जो वॉलेटाइल देखने को मिली थी, जिसका असर जो है ट्राइडेंट लिमिटेड पर कोई खास नहीं पड़ा था, ये अपने अपर सर्किट में ही देखने को मिला था। तो GST जैसे ही बढ़ा दी गई किसके अंदर, यान फैब्रिक अपील, मतलब नॉर्मली टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर देखोगे तो आपको 12% का जो है टैक्स बढ़ा दिया गया था और ट्राइडेंट के ऊपर जो है असर इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड जो है ओनली टेक्सटाइल बिजनेस के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती, मल्टी डाइवर्सिफाइड जो है स्टॉक का कामकाज है, कंपनी का कामकाज है, लाइक बिजली की बात कर सकते हैं, एजुकेशन की बात कर सकते हैं, फार्मा में एंट्री करने जा रही है एंड साथ ही साथ पेपर बिजनेस, केमिकल बिजनेस, तो इसके मल्टी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो है स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली। बट अभी जो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, जो एक मंडे के दिन एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है क्योंकि जो न्यूज़ निकल कर आई है देख सकते हो आपके सामने है GST के रिगार्डिंग जो है ये अपडेट निकल कर आया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर 12% का जो है टैक्स बढ़ा दिया गया था और 5% से लेकर 12% तक जो है हाइक कर दिया गया था जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 2022 से स्टार्ट होकर जो है आपको रेगुलरली फॉर्म करते हुए दिखाई देने वाला था। लेकिन इसी के ऊपर जो है बात करते हुए दिखाई दी, सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने मिलकर जो है गवर्नमेंट से बात की है कि अभी जो है कोविड के चक्कर में वैसे ही हालात ख़राब है, अगर जो है इसके अंदर टैक्स बढ़ाए जाएंगे तो हमें रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा और जो है मार्केट रेट में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे और कोई भी जो है इंडिविजुअल इसके अंदर बायर्स है, जितने भी इंडिविजुअल बायर्स हैं वो इसके अंदर ख़रीदारी नहीं कर पाएंगे और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी नुकसान होगा क्योंकि अगर मान लो सेलिंग ही कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टैक्स ज़्यादा देंगे तो ये अपने रेट्स भी बढ़ाएंगे क्योंकि कंपनी अपना नुकसान थोड़ी करेगी, तो अभी ये जो है रेट्स बढ़ाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जो इंडिविजुअल या फिर रिटेल जो इन्वेस्टर्स होते हैं या बायर्स होते हैं या कोई भी नॉर्मल बायर्स होते हैं तो वो क्या करेंगे भाई, वो भी उनके लिए वो जो है ख़रीदारी कम कर देंगे क्योंकि मान लो कोई पैंट या कोई शीट, ठीक है, बेडशीट की एग्जांपल ले लो, 100 रुपये की बेडशीट है अचानक 500 रुपये मिलने लगेगी, जो बंदा साल में 2 बार बेडशीट चेंज करता था वो तो 2 साल में 1 ही बार करेगा ना। सो यही जो रीज़न है सेलिंग जो है कम हो जाएगी और सरकार का जो नुकसान कैसे होगा कि जैसे मान लो सेलिंग कम होगी तो नेट प्रॉफिट कम आएगा और सरकार को टैक्स भी कम देना पड़ेगा लोगों को, तो इसमें जो है कुल मिला के जो है कंपनी तो कहीं ना कहीं से पैसा निकाल लेगी लेकिन नुकसान किसका है, इंडिविजुअल बायर्स का और सरकार का। सो इसी के ऊपर बातचीत की गई है और ये जो फैसला है डिस्कस किया गया टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज के द्वारा और 1 जनवरी को शायद ये जो है आपको 12% का जो टैक्स है ये कहीं ना कहीं हटता हुआ दिखाई देने वाला है। जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात करें तो आप देख सकते हो 17 तारीख 12/2021, ठीक है, अभी लगभग 2 जो है कल के दिन ही आए देखने को मिली है फ्राइडे के मार्केट में 2:53 के आसपास एंड GST रेट फॉर टेक्सटाइल एक्सपेक्टेड टू बी रिस्टोर्ड एट 5%, मतलब जो 12% का टैक्स लगाया गया था इसको जो है वापस से रिस्टोर करके 5% तक लेकर आया जाएगा, मतलब कि इसमें किसका फायदा है, जो है सेलिंग वापस से बढ़ती हुई दिखाई देगी, रेवेन्यू जो है उतना का उतना ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है या बायर्स हैं वो भी अच्छी खासी जो है खरीदारी कर पाएंगे उनके जो है सामानों की और सरकार का भी जो कहीं ना कहीं इसमें फायदा देखने को मिल जाएगा। और इसी के चलते मार्केट में जहां आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और एंड मूवमेंट पे देखोगे तो स्टॉक 5% तक गिरता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ये खबर जैसी अपडेट आया 3 बजे के आसपास स्टॉक के अंदर वापस से आपको बाइंग देखने को मिली और कहीं ना कहीं मंडे को जो है स्टॉक के अंदर
अगर ये न्यूज़ सक्सेसफुली जो है अप्लाई हो जाती है, मतलब कि सरकार जो है जल्द से जल्द फैसला वापस ले लेती है अपना, तो इसके अंदर जो है सीधा सीधा आपको 10% का सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। और बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे 10% का सर्किट कैसे, लाइक ये मान लो चार्ट है, ये आपका प्रीवियस क्लोज है, स्टॉक जो है डाउन साइड में आ रहा है, तो यहाँ से स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो 5+5 10% का जो है आपको इसके अंदर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा पहले ही दिन। फिलहाल बात करें फ्राइडे के वॉल्यूम्स की, तो देख सकते हो पिछली वीडियो में जो 2 करोड़ के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे, अभी जो है वॉल्यूम्स इसके अंदर 3 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। सबसे बात पॉजिटिव पॉइंट क्या लगता है, जो ट्रेडिंग इसके अंदर देखोगे 41.14% की डिलीवरी उठाई जा रही थी, ये जो है बढ़कर आपको करीब करीब 49.50% के आसपास जो है बढ़ती हुई दिखाई दी। मतलब मार्केट की इस गिरावट में भी जो आपको एक अच्छी खासी डिलीवरी जो है उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर FIIs एंड DIIs भी जो है इस न्यूज़ के बाद एंट्री करने की जो है बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ऑफिशियल न्यूज़ जो है मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगा। एंड फिलहाल बात करें मार्केट की मूवमेंट की, इसके सेंटिमेंट की या टेक्निकल्स की, तो आपको अभी भी जो है पॉजिटिविटी इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 71+16 आपको जो है इसके अंदर लगभग 83% लोग जो है इसके अंदर फ्रेश बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह देंगे। एंड जिसके अंदर गिरावट की बात करें तो ओनली 13% लोग जो है इसके अंदर गिरावट की या फिर सेलिंग प्रेशर की बात करते हुए दिखाई देंगे, और ये वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, जो कि जिनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है और वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके चलिए। मैं भी जो है इसको कम से कम भी 5 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ, एंड कम से कम भी 5-6 महीने मुझे 7 महीने ऑलरेडी होल्ड कर। हम बात करते हैं इसके रिन्यूअल के बारे में, इसका रिन्यूअल रहा है 44%, इसका सितंबर क्वार्टर में रिन्यूअल रहा है 44%, और इनका नेट इनकम रहा है 121.96% का इनका नेट इनकम रहा है। और बात करते हैं इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन की, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 54.11% रहा है, और इनके पास में ऑपरेटिंग इनकम, इनका भी ऑपरेटिंग इनकम का भी काफ़ी अच्छा रहा है, 115.32% का रहा है। और इनके पास में कैश इन हैंड, इनके पास में इनका कैश इन हैंड में भी अच्छा जनरेट रहा है, बहुत ही अच्छा, जिसमें इनकी ग्रोथ हुई है 238%, इसमें 238.85% की ग्रोथ हुई है। और देखा जाए तो इनके पास में कैश इन हैंड है 262.64 करोड़ का, इनके पास में कैश इन हैंड है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।